लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच यूपी समेत देश भर में सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से देश भर में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो वहीं माता लक्ष्मी वाले बयान की खिलाफत पर स्वामी प्रसाद मौर्य अब भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। विवादित बयान के मामले में जहां हिंदूवादी संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ के थाने में तहरीर दे दी थी, तो दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए तंज कसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर दोबारा पोस्ट करते हुए भाजपा को घोर महिला विरोधी बताया है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के चित्रकूट में दिए गए माता लक्ष्मी पर विवादित बयान के बाद अब जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज ने मौर्य पर जमकर हमला बोला है। जगतगुरु ने स्वामी प्रसाद के बयान पर कहा कि वह व्यक्ति सठिया गया है, उसको कुछ भी आता जाता नहीं है और उसे घोर दंड मिलने वाला है। जगतगुरु ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने की भी भविष्यवाणी अभी से कर दी है। हालांकि जगतगुरु ने एमपी में बीजेपी सरकार बनने का भी दावा किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म, जाति, मजहब, संस्कृति और मूर्ति पूजा पर अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। इस बार दीपावली के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान से देश भर का सियासी पारा गर्म हो गया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद ने हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस की चौपाई को लेकर भी अमर्यादित बयान दिया था। इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जगत गुरु का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार का बयान सामने आने के बाद सियासत फिर गर्मा गई है। गौरतलब है कि माता लक्ष्मी पर दिए गए बयान से साधु संतों के बीच भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा था। बयान से साधु संत बेहद नाराज हो गए थे और स्वामी के इस बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पलटवार में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि लक्ष्मी जी पैदा नहीं हुई हैं, वह प्रकट हुई हैं। जगत गुरु ने कहा कि स्वामी प्रसाद को एक अक्षर भी हिंदू धर्म का नहीं आता है, उनका दिमाग सठिया गया है। जगत गुरु ने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद उन्हें संत नहीं मानेगा तो क्या उनका संतत्व चला जाएगा? सूर्य नारायण को यदि उल्लू ना दिखे तो क्या सूर्य नारायण का सूर्य तत्व चला जाएगा? उल्लू के पास आंखें ही नहीं तो सूर्य नारायण कैसे देखेगा? उसी प्रकार स्वामी प्रसाद को विवेक की दृष्टि नहीं है जो मुझे संत के रूप में देखे। वह व्यक्ति पूरी तरह सठिया गया है, उसको कुछ भी नहीं आता है और उसे घोर दंड मिलने वाला है। उसकी हिम्मत हो तो सनातन धर्म पर मुझसे शास्त्रार्थ करे, उसको कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जगत गुरु ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि सब मंगल होगा, इस बार भाजपा की सीटें जरूर कम आएंगी लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चाहे जितना दौरा कर लें उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं जब कांग्रेस व सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर आई दरार पर दोनों ओर से हो रहे हमले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 2024 का इंडिया नामक गठबंधन एंड की ओर है, सब हैरान क्यों हो रहे हो? देश में छिड़े लोकसभा चुनाव के संग्राम के बीच जगत गुरु का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार और एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी के बाद अब सियासी पारा चढ़ने की संभावना है। माना जा रहा है कि जगत गुरु के स्वामी प्रसाद पर पलटवार के बाद देश के दूसरे साधु संत भी खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य की खिलाफत शुरू करेंगे। हालांकि इससे किस राजनीतिक दल को सियासी फायदा मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी।